जैसे एक्सेल बॉक्स क्लियरेंस के बारे में देखेंगे। एक्सेल बॉक्स क्लियरेंस का इम्पोर्टेंस है, जब गाड़ी का मूवमेंट होता है तो उसको ध्यान रखने के लिए एक्सेल बॉक्स से क्लियरेंस दिया जाता है। और इसके अंदर जैसे अगर ये फर्स्ट व्हील हम मारते हैं तो इसके अंदर एक्सेल बॉक्स क्लियरेंस के अंदर ये तो होता है लेटरल क्लियरेंस, और उसके अंदर का क्लियरेंस होता है लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस। इसके अंदर हम चार तरीके से लेते हैं, जैसे लेटरल क्लियरेंस के अंदर इन आउट फर्स्ट एक्सेल बॉक्स का, और सेकंड का भी इन आउट होता है। जो ये बाहर वाला होता है ये तो होता है आउट, और ये होता है इन। और वैसे ही उस साइड के अंदर होता है, बाहर वाला होगा आउट और अंदर वाला होगा इन। सबसे पहले तो हम जब इसकी जर्नल चेकिंग करते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो लाइनर है ये हमेशा किसके होने चाहिए, मैग्नीज़ के होने चाहिए। मैग्नीज़ के बाद अगर इसमें अगर कोई टूटा हुआ है, अगर कुछ भी इसके अंदर डिफेक्ट है, वॉर्न आउट है, तो उसको हमको चेंज करना है, और चेंज करके इसमें वेल्डिंग भी करवानी है। और लेकिन इनकी एक प्रिस्क्राइब लिमिट होती है, उस प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर ये आना चाहिए। जैसे WAP4 का एक चार्ट है जिसके अंदर लेटरल क्लियरेंस एंड एक्सेल्स और मिडिल एक्सेल की अलग होती है और एंड एक्सेल्स की अलग होती है। मिडिल एक्सेल्स की है वो है मिनिमम है 3.6 mm और मैक्सिमम है 7.2। अगर उसकी सर्विस लिमिट की बात करें तो वो है 12 mm। और लेटरल क्लियरेंस के एंड एक्सेल की क्लियरेंस होते हैं मिनिमम 15.4 और मैक्सिमम होती है 18.2। ये वो कंडीशन है जो न्यू कंडीशंस में आती है, और इसकी सर्विस लिमिट है 24.0। और लॉन्गिट्यूडनल की क्लियरेंस आती है न्यू कंडीशंस में मिनिमम में 0.4 mm और मैक्सिमम 2.0, और सर्विस लिमिट होती है इसकी 4.0 mm। और ऐसे ही बात करें, ये बात थी WAP4 लोको की, और ऐसे ही आता है ये लेटरल क्लियरेंस लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस WAG7 के एक्सेल बॉक्स की। इसके अंदर जो लिमिट है वो चेंज हो जाती है। लेटरल क्लियरेंस होती है एंड एक्सेल्स की मिनिमम है न्यू कंडीशन में 22.0 mm से मैक्सिमम है 25.2 mm, और इसकी सर्विस लिमिट है 30.7 mm। लेटरल क्लियरेंस जो मिडिल एक्सेल का होता है वो न्यू कंडीशंस में मिनिमम है 2.4 mm, मैक्सिमम है 6.0 mm, और सर्विस लिमिट है इसकी 11.5 mm। और लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस है ये तीनों एक्सेल्स की बराबर होती है, न्यू कंडीशन में 2.0, मैक्सिमम है 4.0, और सर्विस लिमिट है इसकी 6.0। और इनको नापने के लिए हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसको कहते हैं हम फिलर गेज और इसको कहते हैं माइक्रोमीटर। फिलर गेज के अंदर हम ये हर किसी का अलग अलग साइज़ का फिलर गेज होता है, इसमें हम यहाँ पे डाल के देखते हैं, चेक करते हैं। इसमें चेक करने के बाद जो इसके अंदर इजीली आ जाता है फिर इसको हम माइक्रोमीटर से मेज़र कर लेते हैं। जैसे इसके अंदर इसको डाल लिया, अभी जितनी भी रीडिंग दिखाएगा mm के अंदर, जैसे 10 mm दिखा रहा है, कोई 15 mm दिखा रहा है, हर किसी की अलग अलग रीडिंग दिखाता है। तो क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, प्रिकॉशन भी रखने चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जब भी लोगों एक सीधी लाइन पे खड़ा हो, एकदम टेंजेंट लाइन पे, कर्व पे खड़ा नहीं हो, एक ऊपर नीचे नहीं हो, अगर ऊपर नीचे होगा तो हमारी जो लिमिट्स हैं वो हमेशा गलत रहेंगी, और टेंजेंट होना चाहिए एकदम सेम लाइन पर।